हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी बी फैशन। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से लटकन डिजाइन बनाना बताऊंगी आपको, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो बुकरम के टुकड़े कट किए हुए हैं और ये स्क्वायर शेप में कट किए हैं। 4 इंच चौड़ाई लिए इनकी, ये देखिए, और 4 इंच ही लंबाई लिए। इस तरीके से दो बुकरम के पीस लेने हैं। और उसके बाद हमने दो कपड़े कट किए हैं, तो इन कपड़ों की लंबाई हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है बुकरम से। तो ये देखिए, 5 इंच लंबाई है इसकी और 5 इंच ही चौड़ाई है। इस तरीके से दो कपड़े कट कर लेने हैं। अब ये हमने कपड़े बड़े क्यों कट किए हैं, ये देखिए, इस तरीके से हम बुकरम को बीच में रखेंगे और चारों तरफ इसके आधे आधे इंच का मार्जिन होना चाहिए, तो इसलिए हमने कपड़े को बड़ा कट किया है। तो चलिए अब इसमें डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्रिंटेड कपड़ा है, इसमें इस तरीके से लाइन बनी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अगर आपके कपड़े में लाइन बनी ना हो तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए और उसके ऊपर डिजाइन बना दीजिए। मेरे में यहाँ पर लाइन बनी हुई है, तो मैं लाइन के ऊपर ही गोटा पत्ती लगा लूँगी। तो चलिए गोटा पत्ती लगाते हैं इसके ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे ये वाली गोटा पत्ती ली है मैंने, पतली वाली, और इसको यहाँ पे जो हमारे में लाइन बनी हुई है फैब्रिक में, उसके लाइन के ऊपर रख के और सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके फैब्रिक में लाइन नहीं है तो आप लाइन चाक से ड्रॉ कर लीजिए और उसके ऊपर लगा लीजिए फिर। तो ये देखिए, जहाँ पे भी हमारे में लाइन आ रही है मैं उसके ऊपर ही लगा लूँगी। इसी तरीके से 1-1 इंच के गैप पे हमारी इसमें लाइन बनी हुई है, तो उनके ऊपर लगा लेंगे हम। आपको भी इसी तरीके से 1-1 इंच के गैप पे लाइन बना के और ये गोटा पत्ती अटैच करनी है। इसी तरीके से सभी लाइनों के ऊपर गोटा पत्ती को अटैच कर लेंगे। इस तरीके के बिग साइज में लटकन डिजाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड में चले हुए हैं। अगर आप रेडीमेड ड्रेस लोगे उनमें भी काफ़ी चले हुए हैं, और अगर आप साड़ी के ब्लाउज में बनाना चाहते हो तो उसमें भी काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। आप कुर्ती, फ्रॉक सूट वगैरह कोई भी बनाना चाह रहे हो और उसका बैक नेक डीप रख रहे हो तो उसमें डिजाइन काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो चलिए, एक साइड में तो हमने ये गोटा पत्ती इस तरीके से अटैच कर ली है, अब दूसरी साइड में भी अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से भी सभी लाइन के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हम गोटा पत्ती अटैच कर लेंगे। अगर आपको गोटा पत्ती अटैच करने में कपड़े के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक काम कीजिएगा, नीचे कपड़े के फ्यूज पेपर चिपका लीजिए। उससे क्या होता है, गोटा पत्ती बहुत ही आसान तरीके से अटैच हो जाती है, उसमें कपड़ा खींचता नहीं है और एकदम परफेक्टली गोटा पत्ती अटैच हो जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं चिपकाया, सिंपल कपड़ा रखा है, तो चलिए मैंने तो आराम से लगा लिया। अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसके नीचे फ्यूज पेपर चिपका के लगा लीजिए, और भी आसानी से और फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाले कपड़े पे लगा लेंगे, और अगर आप इस तरीके से लगाना चाहो तो इस तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसी तरीके से रखूँगी। जितनी मैंने अब लगाई हैं इन्हें इतना ही रहने देंगे बस, और ऐसे ही अब दूसरे वाले कपड़े पे भी लगा लेंगे। तो चलिए इस कपड़े के ऊपर भी लगा लेते हैं पहले। तो ये देखिए, इस कपड़े पर भी मैं लगा के और फिर दिखाऊँगी आपको पूरे पर लगा के। तो यहाँ पर हमने दूसरे वाले कपड़े पर भी कम्प्लीट कर लिए हैं गोटा पत्ती। अब इस पे जो डिजाइन बनानी है वो बनाएंगे। तो हमने जो बुकरम के पीस कट किए हैं उन्हें लेंगे हम, और एक पीस को एक कपड़े के नीचे रख लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से रख लेना है। और अब साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से यहाँ से फिनिशिंग के साथ कपड़े को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, चारों तरफ से बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस सिलाई को लगा लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे एक कपड़ा हमने ये रेडी कर लिया, इसी तरीके से हम दूसरे वाले कपड़े को भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले को कंप्लीट करेंगे। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे बुकरम का पीस रखेंगे इस तरीके से, और इसे भी चारों तरफ से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इसको भी चारों तरफ से फोल्ड करके अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। और जब बुकरम के पीस आप कट करो तो एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी जरा सा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर पीस होने चाहिए दोनों ही। थोड़ा भी अगर छोटा बड़ा रह गया, कहीं से भी कोई कोना निकला हुआ रह गया, तो आपका डिजाइन जो खराब हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल बराबर पीस रखने हैं।
और अब ये देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे समोसा लेस। इस पर तो पहले लेस को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ आएगी, अंदर कहीं फोल्ड नहीं होगी, तो हम पहले यहाँ से फोल्ड कर लेंगे जिससे कि बाद में लेस जल्दी से ख़राब नहीं हो। और यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब तो इस तरीके से सिलाई लगानी है, और जहाँ पे भी हमारे कोने आएंगे इस कपड़े के, तो उन कोने के ऊपर अच्छे से कोने को बना के और फिर सिलाई लगानी है। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से कोना बना लेना है और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बिल्कुल किनारे किनारे रख के ही हमें लेस अटैच करनी है इस तरीके से। और सभी कोनों को बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ बनाना है। और लास्ट में यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड कर लेंगे अंदर की साइड। तो ये देखिए यहाँ से भी थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे एक कपड़े को हमने कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले कपड़े पे भी लेस को अटैच कर लेंगे। तो ये वाला कपड़ा, इसके ऊपर भी हमें सेम इसी तरीके से लेस अटैच करनी है। तो चलिए इस पे भी कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इस तरीके से रख के इस पे भी अटैच कर लेंगे। और ये लटकन बना रही हूँ मैं एक कुर्ती के लिए, अमरेला कट फ्रॉक टाइप कुर्ती बनाऊंगी और बहुत ही सुंदर कुर्ती बनाने वाले हैं। तो उसकी भी वीडियो जल्दी आएगी और उसमें ही इन लटकन का फाइनल लुक देखोगे आप, किस तरीके से हमारे लटकन का लुक आएगा। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। और उस वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब मेरा वीडियो नया आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ से इसको भी हमने कम्प्लीट कर लिया है। इस तरीके से दोनों कपड़ों को कंप्लीट कर लेना है। अब एक पाइपिंग बना लेनी है जो मैंने पहले ही बना के रखी हुई है, ये देखिए। अब इन दोनों कपड़ों के कोनों को इस तरीके से मिलाएंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से मिला के रखने हैं। और इसीलिए मैं बोल रही थी कि बुकरम के जो हम पीस कट करेंगे वो बिल्कुल बराबर कट करने हैं, ये दोनों हमें बिल्कुल बराबर लेने हैं। और अब एक कोने पर इस तरीके से दोनों के बीच में पाइपिंग को लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर बीच में पाइपिंग को रख लिया है हमने, और अब ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग रखी है, वहाँ से अच्छे से दो तीन सिलाई लगा लेंगे जिससे पाइपिंग खींचेगी नहीं जल्दी से। और अब बिल्कुल मिलाते हुए बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है। तो ये देखिए यहाँ से थोड़ी केयरफुली सिलाई लगानी है, सिलाई नीचे भी नहीं उतरी और अंदर की तरफ भी ज़्यादा नहीं लगी, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। और आपको ये लटकन डिजाइन पसंद आया हो और वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आप लाइक करना भूल जाती हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा लटकन हो गया है कंप्लीट। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको भी बिल्कुल कट कर लेंगे, जिससे कि हमारा लटकन है फिनिशिंग दिखेगी अच्छी सी। तो ये देखिए यहाँ से हमारा लटकन बन के हो गया कंप्लीट। इसी तरीके से हम दूसरे लटकन को भी बना लेंगे। और ये कुर्ती में लगने के बाद इतना खूबसूरत लगता है लटकन डिजाइन, बहुत ही अच्छा लगता है। आपको अगर इस लटकन का फाइनल लुक देखना है कुर्ती में लगने के बाद कैसा लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप उस वीडियो को जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।